आज मैं आपको गिट्स गुलाब जाम कैसे बनाने हैं ये बताऊंगी। ये देखिए, ये गिट्स गुलाब जाम का पैकेट है। यहाँ पर पूरी विधि दी हुई है, हिंदी में, इंग्लिश में। मैंने चैनल पर इसका रिव्यू डाला हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस वगैरह दी हुई है, मैंने पूरा रिव्यू डाला हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। इस पैकेट के अंदर इस तरह का जो एक प्लास्टिक का पैकेट आता है उसमें ये पैक्ड होता है, और हमें इसे छान लेना है। एक छलनी ले लीजिए, फिर हमें उसे इस जो आटा होता है उस पैकेट में हमें उसे छान लेना है अच्छी तरीके से, ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखिए, मैंने छान लिया है अच्छी तरीके से, ताकि जो है सॉफ्ट ले। हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने यहाँ पर बादाम के टुकड़े और काजू के टुकड़े कर लिए हैं, वो इसमें मैं डालूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। हमने इसमें फिर इलायची पाउडर डालना है, ये कूटा हुआ इलायची पाउडर है। अब मैं ये इसमें डालूँगी। इलायची पाउडर जो है आप अच्छे से पीस लीजिएगा सिलबट्टे में या फिर मिक्सर में, और फिर डालिएगा। आधा से एक चम्मच आप इलायची पाउडर आपके स्वाद के हिसाब से, पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमें इसे दूध में भिगोना है, आप चाहे तो पानी से भी भिगो सकते हैं, मैंने दूध से भिगोया ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट बने। हमें बीच में एक खड्डा बना लेना है और फिर इसे दूध से भिगो लेना है। ये देखिए, अब मैं इसे दूध से इस आटे को भिगोंगी। जितना आटा है, पूरा का पूरा आटा हमें दूध से ही भिगोना है, और दूध से हमें आटा बना लेना है। अच्छे से सॉफ्ट आटा हमें दूध से बना लेना है। ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट आटा हमें बना लेना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है वो सारा जो सारा दूध पी जाता है आटा, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप सख्त की तरह जम जाता है। इसलिए हमें अच्छे से दूध लगाकर आटे को, ये देखिए, ये आटे का एक छोटा सा ये घी है, आप हाथों में लगाकर छोटे छोटे जो है, ये देखिए आटा बन गया है कड़क, देख सकते हैं आप। अब हम जो है चाशनी बनाएंगे गुलाब जामुन के लिए। जो चाशनी बनती है वो हम बनाएंगे। पैकेट पर ली हुई है उतनी शक्कर हमने ली है, पानी उबलने के लिए रखना है। और आटे की जो है, ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा बन गया है, और आटे की जो है हमें छोटे छोटे गोले बनाने हैं। शक्कर जो है हमने डाल ली है, उसमें पानी डालना है और गैस ऑन करके इसे उबलने के लिए रख देना है, मतलब कि चाशनी बनाने के लिए रख देना है। गैस ऑन कर लिया है मैंने, ये अब तय है, और अब चाशनी को हमें उबलने के लिए रख देना है। ये देखिए, चाशनी जो है वो उबलने लगी है, धीरे धीरे शक्कर जो है वो पिघलने लगेगी, और आपको जो है शक्कर पिघलने का इंतज़ार करना है। शक्कर जो है, जैसे ही चाशनी को उबाला आ जाएगा, शक्कर पिघलने लगी। ये देखिए, धीरे धीरे उबाल आने लगा है। ये देखिए, पूरी तरह से उबल गई है चाशनी। आपको जितनी गाढ़ी पतली रखनी है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बताऊँगी, मैं थोड़ी पतली ही चाशनी बनाती हूँ हर वक्त, ताकि गुलाब जाम जो है वो अच्छे से सोक्ड हो जाते हैं और जो चाशनी है वो पी लेते हैं। ये देखिए, मैंने गुलाब जाम बना लिए हैं छोटे छोटे गोल गोल। छोटे छोटे गुलाब जाम बनाने, क्योंकि तलने के बाद वो फूलते हैं और चाशनी में डालने के बाद वो और फूलते हैं, इसलिए छोटे छोटे ही गुलाब जाम बनाएगा। ये देखिए, मैंने ढेर सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। अब जो है हमें इसे घी में तलने के लिए रखना है। आप चाहे तो तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन मैं घी में ही तलूंगी। घी में तलने से स्वाद अच्छा आता है। ये देसी घी मैंने ले लिया है, गर्म करने के लिए रख दिया है, और ये हमारी चाशनी ये भी तैयार है। देख सकते हैं आप कितनी साफ़ चाशनी बनी है। ये देखिए, मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाई है, और आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं चाशनी में। ये देखिए, घी गर्म हो गया, अब हम इसमें गुलाब जामुन तलने के लिए डाल देंगे। हमें जो है गोल्डन ब्राउन, मतलब सुनहरे होने, तो गुलाब जामुन को तलना है। ये देखिए, मैंने तलने के लिए डाल दिए है गुलाब जामुन। ये जो बच्चे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, सुनहरे हो जाएंगे, तब तक हमें इसे तलना है, इसे पलटना है, इसे पलटते रहना है, तलना है हमें, ताकि सिर्फ ये एक तरह से ना सिक जाए। ये देखिए किस तरह से फूल गए हैं, कितने छोटे छोटे थे, अच्छे से फूल गए हैं। आपको इसे ज़्यादा डार्क नहीं तलना है, आपको इसे लाइट ब्राउन तलना है। देख सकते हैं आप वीडियो में कलर, और आपको जो है धीमी आँच पर गुलाब जाम को तलना है। ज़्यादा आग पर आप बड़ी आँच पर तलेंगे तो वो बाहर से तो लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। हमें जो है अंदर से भी पके हुए चाहिए, तो धीमी आँच पर ही गुलाब जाम कभी भी तले। हमें इसमें आप चाशनी में डालेंगे। ये देखिए, चाशनी तैयार है। हम घी से निकाल कर तुरंत चाशनी में डालेंगे गर्म गर्म, ताकि वो चाशनी जो है अच्छे से उसके अंदर चली जाए। ठंडे होने के बाद डालेंगे तो चाशनी में वो भिगोएंगे नहीं और कड़क ही रहेंगे, तो तलने के बाद तुरंत निकाल कर चाशनी में डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से चाशनी में हमें उन्हें मिला लेना है। इस तरह से सारे गुलाब जामुन तल लीजिए और फिर चाशनी में डाल लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए सॉफ्ट, ये देखिए कितने सॉफ्ट हुए हैं मेरे गुलाब जाम। ये देखिए, मैंने आपको तोड़ कर दिखाती हूँ,
काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया है, कलर भी अच्छा आया है। कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर चाशनी चली गई है, चाशनी की चमक आप उसके ऊपर देख सकते हैं। मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि काफ़ी मीठे बने, काफ़ी अच्छा टेस्ट आया है, काफ़ी अंदर तक चाशनी गई है, काफ़ी अच्छे से बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। मैंने जिस तरह से बनाया उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके गुलाब जाम जो है सॉफ्ट, अच्छे, फूले हुए और टेस्टी बनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।